मेरी रहमत से मायूस नहीं होना, ये काम कभी ना करना। फिर क्यों? अल्लाह जानते हैं मेरे अलावा इसका है कौन। मेरी रहमत से, इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीअ, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। इस आयत के उतरने पर वहशी को जब पता चला कि ये आयत उतरी है, मदीने पहुंच गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल करके हजरत वहशी रदियल्लाहु ताला अन्हु बन गए इस आयत के उतरने पर। अच्छा, इतने गुनाह करके भी सब माफ हो जाएगा। बंदा, एक रवायत में आता है, बंदा माफी मांगता है मांगता है मांगता है मांगता है, गुनाह करता है मांगता है गुनाह करता है, फिर गुनाह होता है, फिर माफी, फिर गुनाह, फिर माफी, फिर गुनाह, फिर माफी। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरे बंदे देखते हैं कि तू माफी मांग के थकता है या हम माफ करके थकते हैं। हम माफ करके नहीं थकेंगे, तू माफी मांग के थक जाएगा। मेरे दोस्तों, शैतान के चक्कर में मत पड़ना। हाँ, हमारा अशरफ अली थानवी साहब के पास एक आदमी आया, हजरत एक गुनाह सैकड़ों नहीं हजारों दफा कर चुका हूं, हर दफा करके माफी मांगता हूं, क्या करूं? आपने फरमाया माफी मांगना ना छोड़ना, मर के जब अल्लाह के सामने जाएगा तो एक ही गुनाह लेके जाएगा। माफी मांगना नहीं छोड़ना। क्यों? इन्नल्लाह युहिब्बु तव्वाबीन, इन्नल्लाह युहिब्बु तव्वाबीन। अल्लाह फरमा रहे हैं, मुझे ये जो तौबा करते हैं ना बार बार गुनाह करके, इनसे बड़ी मोहब्बत है। मोहब्बत कैसे होती है? मोहब्बत कैसे होती है? हाँ, मैंने देखा, वैसे एक चीज मुझे बड़ी है, तबलीग वालों के सामने जिक्र करो ना कि प्यार का, मोहब्बत का, नरमी का, तो इनके मुस्कुराते चेहरे भी हो जाते हैं। अबे यार, और खुश हो जाओ यार। हाँ, मोहब्बत की बात होने लगी है। मोहब्बत क्या होती है? ये मुझे देख के मुस्कुरा रहा है, अबे नहीं तुझे नहीं वो अपना किसी काम से। हाँ, या मेरी बीवी यार, नाराज बीवी शायद मुझे देख के मुस्कुराई है। अबे आपको नहीं देख के मुस्कुरा रही, वो अपने बच्चों से खेल रही है। नहीं, मुझे देखा है। आदमी अपने पे मंसूब करता है हर चीज। मेरा नाराज दोस्त यार शायद अभी खुश था, शायद मेरी वजह से खुश है। नहीं, आपके नहीं, वो तो साथ वाले से बात कर रहा है। आदमी जिससे प्यार करता है हर चीज को अपने से मंसूब करता है। ये प्यार का तरीका होता है, प्यार का अंदाज। यही बुनियाद था इस बात की। या सनम या सनम या सनम या सनम या समद, लबैक या आबदी, लबैक या आबदी, लबैक या आबदी। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, गलती से निकला है मुंह से। तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? हाँ, उसके मुंह से तो गलती से निकला है, हमारे सुनने में तो गलती नहीं है। चलो, इसी बुनियाद पर आज से ये मेरा हो गया। हाँ, इन्नल्लाह युहिब्बु तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों से प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो मेरे दोस्तों, हाँ, अब्दुर्रहमान बिन सालबा, अब्दुर्रहमान बिन सालबा का वाक्य आपको सुनाता हूं। नौजवान सहाबी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करते थे, अब्दुर्रहमान बिन सालबा। तो एक दफा अल्लाह के नबी ने किसी काम से भेजा, जब किसी काम से भेजा तो वो जब ये निकले हैं बाहर, तो हवा चल रही थी, तो एक सहाबी के घर के बाहर कपड़ा पड़ा हुआ था, तो वो कपड़ा उठा, तो कपड़ा उठा तो इनकी नजर पड़ी घर के अंदर, तो वहां देखा कि सहाबिया की जो घरवाली थी वो नहाने के बाद अपने बाल सुखा रही थी। तो एक सेकंड के लिए टिकटिकी बन गई, एक सेकंड के लिए एकदम ख्याल आया, ये मैंने क्या किया। उफ, ये ख्याल आते ही अपना सर पकड़ा और भाग के मदीने से बाहर जाके पहाड़ों पे चढ़ गया। मदीने के बाहर आतिशफिशां पहाड़ थे इर्द गिर्द, ये उन पहाड़ों में जाके बैठ गए, छुप गए। अल्लाह के नबी इंतजार कर रहे हैं, अब्दुर्रहमान को भेजा, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। पूरा दिन गुजर गया, कहां रह गया भाई, कहां रह गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सलमान फारसी से आपने फरमाया भी अब्दुर्रहमान को भेजा था काम से, कहां चला गया? तो मदीने में पता किया तो कहीं नहीं, कहा फरमाया, आपने फरमाया भाई ढूंढ के लाओ उसको। तो ये हजरत बाहर निकले ना, एक दिन पूरा ढूंढते रहे, दो दिन ढूंढते रहे, को पता नहीं चला। फिर एक बकरी चराने वाला मिल गया, उसने कहा कि ये जी आप एक
यहाँ एक नौजवान है, मैं उसको सुनता हूँ, वो रात के वक्त निकलता है कि जो गार में बैठा हुआ है, वो रात के वक्त निकलता है और दाड़े मार मार के रोता है और अल्लाह से माफिया मांग रहा होता है, कहीं शायद आप उसी को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ बताओ तो सही, वो है किधर? कहा जी वो सामने वाले पहाड़ पे मैंने देखा है। तो ये दोनों हजरात रात को जाके उधर बैठ गए, तो रात को ये निकले बाहर, अब्दुर्रहमान बिन साल इसी तरह रोते हुए या अल्लाह मुझे माफ कर दे, गलती होगी, तीसरा दिन है ये, माफी मांग के। तो इन दोनों हजरात ने पकड़ लिया इनको, पकड़ के लेकर आए अल्लाह के नबी के पास। फजर के बाद हाजिर किया, या रसूलल्लाह, आपने फरमाया क्या हो गया? कहा या रसूलल्लाह बता नहीं सकता, ऐसा गुनाह हुआ। अरे भाई क्या हुआ, बताओ। बहुत रोते रोते बताया, मुझसे ये हो गया कि वो मैं उनको बाल सुखा रही थी, मेरी नजर थोड़ी देर के लिए रह गई उधर, तो आपने फरमाया मेरे पास आ जाते, मैं अल्लाह से माफी मंगवा देता। रोते रहे नहीं, इसी हालत में बीमार हो गए। बीमार होके अल्लाह के नबी इयादत को गए, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, कहा अब्दुर्रहमान से ये कहो, अब्दुर्रहमान को ये कहो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके नामा आमाल में दुनिया में जितने रेत के जर्रे हैं उतनी नेकियां लिख दी, इससे कहो अब राजी हो जाए, इससे कहो अब राजी हो जाए, अब ठीक हो जाए। जब अब्दुर्रहमान बिन सालबा ने ये बात सुनी तो ये बात सुन के इतने जोर की चीख मारी कि उनकी रूह निकल गई। इतना करीम है अल्लाह, जितने रेत के जर्रे वो लिख दी, मेरे बंदे से कहो चलो गलती हुई, माफ किया, गलती होगी, गलती होना इंसानियत, इंसान होना, गलती होना ये हमारे इस बात की निशानी है कि हम इंसान हैं, इस पर माफी मांगना ये बंदगी की बुनियाद है कि अल्लाह पाक फरिश्तों से कहते इसको पता है ये मुझे रब जानता है, इसको पता है ये मुझे रब जानता है। हज़रत शिबली रहमुल्ला हालत कशफ में बैठे हुए, ये हमारे, ये हज़रत शिबली रहमुल्ला नहीं है, ये जो हमारे दौर के, ये 400-500 साल पुराने की हज़रत शिबली रहमुल्ला थे, जो हज़रत अब्दुल्ला उंदलसी के मजाज थे, पुराने बुजुर्ग की बात कर रहा हूं। तो हालत कशफ में बैठे हुए, तो इनको कशफ हुआ अल्लाह की तरफ से कि ऐ शिबली अगर तेरे ऐब लोगों पर खोल दूं तो दुनिया में एक इंसान ऐसा ना हो जो तेरे सलाम का जवाब दे। तो शिबली ने अर्ज की ऐ अल्लाह अगर मैं तेरी रहमत की वसत लोगों पर खोल दूं तो दुनिया में एक आदमी भी तुझे सजदा करने वाला ना रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया शिबली तू हमारे राज को राज रख, हम तेरे राज को राज रखते हैं।